खबर इटावा से है, जहां शिवपाल की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए सैकड़ों बीजेपी समर्थक। शिवपाल ने बीजेपी को भ्रष्ट सरकार बताया। यूपी के इटावा में जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही यहां के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लंबे समय से रहे सुनील यादव कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर से वह समाजवादी पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हो गए, और इस दरमियान शिवपाल यादव और उनके बेटे अंकुर यादव भी मौके पर मौजूद रहे। इटावा में सुनील यादव ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सुनील यादव कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ चले गए थे और सपा का दामन छोड़ दिया था। फिर एक बार सुनील यादव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में वापस लौट आए, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि समाजवादी पार्टी का संगठन समाजवादियों की विचारधारा पर है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में प्यार मोहब्बत है और इसी को लेकर हम फिर से वापस समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। हमारे प्रिय नेता और हमारे आदर्श समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय राम सेवक चाचा जी, जिला कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय अंकुर यादव जी, पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बड़े भाई गोपाल यादव जी, आदरणीय बड़े भाई मोहम्मद अल्ताफ जी, वसीम चौधरी जी, धीरेन्द्र यादव जी, आशीष पटेल जी, तमाम सम्मानित लोग यहाँ, बड़े भाई धर्मवीर मिट्टू जी, संतोष राठौर जी, सभी सम्मानित साथी जो लगातार चाहे वो किसी वर्ग और धर्म से आते हो लेकिन समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का काम किया है। हर वर्ग और हर धर्म के लोगों ने इस आंदोलन को यहां तक लाया जो आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि चाचा ने अभी कहा था, हम लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, आम इंसान है, गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती मानने वाला भी बड़ा होता है और गलती क्षमा करने वाले भी बड़े होते हैं। ये कोई भाषण नहीं है, ये कार्यकर्ता का दर्द है जो आपसे बांटना चाहते हैं। 98-99 से आपके साथ जुड़े, युवा एकता मिशन बनाया और व्यवस्था के खिलाफ लड़े, आपने मौका दिया। समाजवादी युवक सभा जब बसपा की सरकार थी और ऐसे ऐसे एसपी हुआ करते थे जो लोगों को घर से नहीं निकलने देते थे, तब भी आप सभी साथियों ने आपके आशीर्वाद से हर लड़ाई को लड़ने का काम किया। उसके पश्चात जब आपने मौका दिया समाजवादी पार्टी के लिए, तब भी ये प्रयास किया कि संगठन कैसे मजबूत हो, चाहे सेकुलर मोर्चा रहा हो, चाहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रही हो, हर कदम पर हमारे साथी और हम आपके पीछे खड़े रहे। तो ये सही मार्ग में गलती थी, लेकिन जब दूर जाओगे, घूम कर आओगे, तो पता चलता है कि बाकी सब जगह नफरत है। अगर प्यार प्रेम अपनापन कहीं है तो वो इसी घर में है, कहीं नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि एक मन से, और ये सही बात है, सही व्यक्ति को सही चीज मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, और सब साथ यहां खड़े, किसी के मन में कोई मैल नहीं है। जो वर्षों तक आपके साथ रहे, जो आपकी पीड़ा को समझे, जो आपकी समस्याओं को समझे, जो आपकी तकलीफ को समझे, ऐसे व्यक्ति को ही चुनना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिसने वर्षों आपके साथ सेवा की हो, कुलदीप गुप्ता संधू जी की पत्नी ज्योति गुप्ता जी लड़ रही है, भारी बहुमत से उनको इसलिए जता देना कि ये एहसास करा दीजिए कि जो आपके बीच रहेगा उसी को अधिकार है मतदान लेने का और किसी को अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद ऐसे हमारे सभी साथियों पर बना रहे, ऐसी कामना के साथ जय हिंद, जय समाजवाद, माननीय सुभाष जी का धन्यवाद, माननीय जनता का धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि यादव से राजनीति शुरू करी है, उसका अध्यक्ष भी रहा और फिर यहाँ का जिलाध्यक्ष रहा है, जिलाध्यक्ष भी रहा हमारे साथ है, और हम भी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे समाजवादी पार्टी में, यह भी आपकी जानकारी में होगा। जनरल सेक्रेटरी प्रदेश के लिए बहुत लगातार लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, कार्यालय में तो बहुत पहले से बैठते रहे, बहुत पहले से बैठते रहे, और इस कार्यालय में बहुत बड़े बड़े लीडर भी बैठे रहे, गुप्ता जी भी बैठे हैं, नरेश्वर मसा जी भी बैठे हैं, बाबू कपिल देव सिंह जी भी बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर ऐसे कार्यालय में बैठे हैं। और आज मुझे फिर
सवाल मिल गया वैसे नहीं क्या देखिए अब उन्होंने थोड़े दिनों में समझ लिया भारतीय जनता पार्टी, मैंने भी समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी और हमसे तो छोटे नेता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेता तक हमारे संपर्क में रहे, पार्टी में नहीं संपर्क में रहे, मैं तो बहुत पार्टी पार्टी में नहीं संपर्क में रहे, हमसे मिलने आते छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता, और सुनील ने भी एक बहुत जल्दी समझ लिया, 5-6 महीने में समझ लिया पार्टी में संपर्क। तो किस तरह की जिम्मेदारी सुनील जी को इस बार मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? जिम्मेदारियाँ देंगे पार्टी को, मजबूती मिलेगी उनकी जो जिम्मेदारी देंगे उनसे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। कल राज्यसभा सांसद गीता साह आई थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो पहले समाजवादी पार्टी वोट नहीं डालने देती थी, फोन करके धमकाते थे, इस बार निकाय चुनाव में ऐसा नहीं होगा और इस बार फिर से भाजपा जीतेगी, क्या लगता है कि इस तरह की गतिविधियाँ क्या है? देखिए गीता साह भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद सब झूठी बोलने लगते। इटावा से इदरीस फारूकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।